बैक फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। और यास्मीन किचन में आपका स्वागत है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ चाप, बकरे की चाप है ये। मैंने इसको अदरक लहसुन लगा के उबाल ली थी। अभी मैं आगे इसमें मसाला मिक्स करूँगी और आपको बताऊँगी। दो से तीन सीटी मेरी चापे गल जाती है क्योंकि ये बकरे की चाप है, तो आप आराम से इसको गला लेना। अच्छी तरीके से गलने के बाद में इसमें मसाले लगा के हम इसको फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें हम डालेंगे मिर्ची पाउडर 2 चम्मच, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला, 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर का आटा और बिल्कुल ज़रा सी नमक, क्योंकि नमक अदरक लहसुन लगा के मैंने ये चाप को उबाल ली थी। और 1 अंडा, अंडे को फेंट लेंगे पहले अच्छे से। अब मैं इसमें ये सारे मसाले डाल रही हूँ और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। मसाले डाल के डालेंगे इसमें 1 अंडा। मैंने इसको बड़े बाउल में नहीं ली हूँ क्योंकि कैसा ना, इसको मिक्स करने के लिए प्लेट की सही पड़ती है, इसमें मसाला बराबर से चिपक जाता है, लग जाता है। ये देखो फ्रेंड्स, अच्छे से इसमें मसाला लग गया है। और इसमें मैं 1 चम्मच तेल डालूंगी। 1 चम्मच मैं इसमें तेल डालती हूँ क्योंकि मसाला अच्छे से चिपक जाएगा। आप चाहो तो कलर डाल सकते हो, रेड चिली में कलर होता ही है ज़्यादा, इस वजह से मैंने कलर का इस्तेमाल नहीं करी है यहाँ पे। ये देखो, ये ओरिजिनल रेड हो गई है, तो इस वजह से फिर मैंने कलर नहीं डाली हूँ। रोजे में चाप फ्राई करके खाओ, बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है। मेरे हस्बैंड को तो बहुत पसंद है चाप, इसीलिए मैं हमेशा बनाती रहती हूँ। तो मैंने सोची आज मैं ये चाप की रेसिपी आपके साथ में शेयर करूँ, ताकि आप भी अपने घर में इफ्तार में ट्राई करें। तो फ्रेंड्स देखो, ये चाप बिल्कुल अच्छे से मसाला लगा के रेडी कर दी हूँ मैंने। और इस अभी बज रहे हैं 3:30 और ये मैं अफ्तार के टाइम फ्राई करूँगी, तो तुम सोचो कितने अच्छे से इसमें मसाला अंदर लग जाएगा, पूरा जूसी हो जाएगा। इसको अदरक लहसुन लगा के पहले उबाल लेना नमक डाल के, तो ये अच्छे से गल जाएगी। उसके बाद ही इसमें मसाला लगा के 3 से 4 घंटे के लिए इसको छोड़ देना। मैं इसको तल लूंगी। देखो चाप अच्छे से मसाला इसका कोट हो चुका है। बिस्मिल्लाह, इसको गरम गरम तलेंगे माशाल्लाह। चाप की रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और अपने घर में बना के अपनी फैमिली के साथ में इंजॉय करो। अल्लाह हाफिज़।